अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम। जल्दी जल्दी पानी भरो और सारा काम करना, फिर स्कूल जाना है। ठीक है अम्मी। ये अब्दुल्ला है, बहुत प्यारा बच्चा। अब्दुल्ला बहुत अच्छा लड़का था, कभी झूठ नहीं बोलता और 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता, घर का सारा काम भी करता। ये अब्दुल्ला की सौतेली माँ है, जो हमेशा अब्दुल्ला से सारा काम करवाती और कभी प्यार से बात नहीं करती। अब्दुल्ला कहाँ जा रहे हो? बकरों को ले जा रहा हूँ अम्मी। अब्दुल्ला बकरों को जंगल की तरफ ले जाता है, क्योंकि उसका कोई दोस्त नहीं है, क्योंकि अब्दुल्ला की सौतेली माँ किसी से खेलने नहीं देती। इसलिए अब्दुल्ला अक्सर यहाँ आता, घंटों जानवरों के साथ अपना वक्त गुजारता और अपनी असली माँ को बहुत याद करता। अम्मी, अब्बू का फोन आया था क्या? क्यों? मुझे बात करना था अब्बू से। क्या? नहीं, कुछ खास नहीं, बहुत दिन हो गए थे ना। तुम्हारे अबू काम के लिए गए हैं, उनके पास वक्त नहीं, जाओ अपना काम करो। अब्दुल्ला की आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर वो खुद को संभालते हुए फिर से बकरों को जंगल की तरफ ले जाता है और बकरों के सामने बहुत रोता है। मैं रोज़ मेरी अम्मी को याद करता हूँ, फिर ये सोचकर खुश हो जाता हूँ कि अब्बू तो है, पर अब्बू भी पैसे कमाने के लिए इतनी दूर चले गए। मैं अकेला कैसे रहूं? मेरी सौतेली माँ मुझसे नफरत करती है। अस्सलाम वालेकुम। कौन? वहाँ एक बहुत खूबसूरत चिड़िया बैठी हुई थी और वो अब्दुल्ला की सारी बातें सुन रही थी। फिर अचानक वो उड़ते हुए अब्दुल्ला के पास आई। चिड़िया हूँ। कौन? हाँ, तुम कैसे बात कर सकती हो? ये क्या, कोई चिड़िया बात कैसे कर सकती है? मैं कर सकती हूँ, मैं आम चिड़िया नहीं हूँ। मैं तुम्हें रोज यहाँ देखती हूँ, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? हाँ हाँ। अब्दुल्ला और चिड़िया में बहुत गहरी दोस्ती हो जाती है। रोज़ अब्दुल्ला बकरों के बहाने जंगल की तरफ जाता और चिड़िया से घंटों बातें करता और खेलता। अब्दुल्ला, तुम्हारी सालगिरह कब है? क्यों? बताओ ना। 1 हफ्ते बाद। 1 हफ्ते बाद जब अब्दुल्ला बकरों के साथ चिड़िया से मिलने गया, तो वो क्या देखता है कि चिड़िया ने अब्दुल्ला की सालगिरह की सारी तैयारियां की थी। सारे जानवर उससे विश करने आए और साथ में तोहफे भी लाए। फिर अब्दुल्ला उन सब के साथ बहुत खेला, बहुत मज़े किया। अब्दुल्ला बहुत खुश था उस दिन। दूसरे दिन अब्दुल्ला की सौतेली माँ ने अब्दुल्ला को किसी बात के लिए बहुत डांट दिया। अब्दुल्ला रोज़ की तरह बकरों को लेकर चिड़िया से मिलने गया और चिड़िया के सामने अपनी माँ को बहुत याद कर रहा था। अब्दुल्ला, तुम नमाज पढ़ते हो? हाँ। फिर अल्लाह के सामने क्यों नहीं रोते? क्या? हाँ, पूरी नमाजें पढ़ते हो ना, फिर अल्लाह से ही क्यों बात नहीं करते, मुझसे ही क्यों बात करते हो? पर तुम मेरे सामने हो, मेरे फ्रेंड हो, और तुम मेरे सारे सवालों के जवाब भी देती हो। अल्लाह तो सबसे ऊपर है ना। मैं तुमसे बात अल्लाह की मर्जी से ही करती हूँ, अल्लाह हर जगह है। चिड़िया ने अब्दुल्ला से कहा कि वो अल्लाह से दुआ करे, उसे ज़रूर कुछ ना कुछ मिलेगा। मेरे अल्लाह, मुझे अम्मी की याद आती है, मैं क्या करूँ? अब्बू भी बहुत दूर है, मैं क्या करूं? मेरी मदद करो मेरे अल्लाह। जैसे ही अब्दुल्ला की आंख से आंसू निकलते हैं, चिड़िया ने जल्दी से अब्दुल्ला के आंसू को अपने परों पर उठा लिया और कहा, अब्दुल्ला, अपने आंसू को अपने हाथ में लो। जैसे ही अब्दुल्ला ने आंसू को अपने हाथ में लिया, चिड़िया ने अपने पर फैलाए और उसके आंसू और अब्दुल्ला के आंसू कीमती मोती में बदल गए।
ये क्या? मोती। हाँ, ये मोती है क्या? हाँ, बहुत कीमती मोती, तुम्हारे आंसू मोती बन गए। पर कैसे? मैंने कहा था ना, अल्लाह से बात करो, जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा। ये बहुत खूबसूरत है, पर मैं इसका क्या करूं? इसे बहुत संभाल कर रखो, ये बहुत कीमती है। अब्दुल्ला उस मोतियों को घर ले जाकर एक डब्बे में रखता है। ऐसे कई बार अब्दुल्ला मोतियां लाता है और डब्बे में रखता जाता है। एक बार अब्दुल्ला की सौतेली माँ ने उन मोतियों को देख लिया और उन मोतियों को बेचने दुकान पर गई। जैसे ही उसने मोती निकाला, वो सारे मोती पानी बन गए। वो परेशान हो गई। अब्दुल्ला जी, अम्मी, वो सारे मोतियां कहाँ से लाए थे? जी जी जंगल से। वो मोती पानी कैसे हो गए? पता नहीं अम्मी। अगर पता नहीं तो पता करो और ला कर दो मुझे ऐसे ही जंगल से। अगर नहीं लाओगे तो बहुत मारूंगी। जी अम्मी। अब्दुल्ला परेशान हो जाता है और चिड़िया से कहता है। चिड़िया कहती है, अल्लाह तुम्हें और मोती देगा, फिर तुम तुम्हारे अम्मी को दे देना। फिर कुछ दिनों बाद अब्दुल्ला इसी तरह रोकर अपने आंसू से मोती जमा करता है और अपनी सौतेली माँ को देता है। वो खुश हो जाती है। फिर वो एक दिन दुकान पर जाती है उसे बेचने, पर जैसे ही वो मोती निकालती है, वो मोती फिर से पानी हो जाते हैं। अब्दुल्ला जी, अम्मी, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? इस बार फिर से ये मोती पानी हो गए। क्या? पर कैसे? कैसे? ये ज़रूर जादुई मोती है और ये जादू ज़रूर तुम जानते हो और जानबूझकर मेरे साथ ये सब कुछ कर रहे हो तुम। नहीं अम्मी, मैं कुछ नहीं जानता। बस घर से निकल जाओ और जब तक मोती नहीं लाते तुम वापस मत आना। नहीं अम्मी, मैं कहाँ जाऊँगा? अब्दुल्ला की सौतेली माँ उसे घर से निकाल देती है और बेचारा रोते हुए अपनी सबसे प्यारी दोस्त चिड़िया के पास जाता है और बहुत रोता है। जैसे जैसे वो रोता है, अब्दुल्ला के आंसू से मोतियों की लड़ियाँ बन जाती है। पूरे जंगल में सिर्फ मोती ही मोती होते हैं। ये देखो अब्दुल्ला, तुमने रो रो कर इस जंगल को मोतियों का जंगल बना दिया। अब जाओ, तुम्हारी माँ को यहाँ लाओ। अम्मी, दरवाजा खोलिए। तुम फिर आ गए? अम्मी, मेरे साथ चलिए मोती के पास। सौतेली माँ खुशी से पागल हो जाती है और अब्दुल्ला के साथ जंगल में जाती है। तभी अब्दुल्ला के अब्बू आ जाते हैं और उन दोनों को जंगल में जाते हुए देखकर वो भी उन दोनों के पीछे पीछे जाते हैं। जैसे वो आगे बढ़कर मोतियों को छूने की कोशिश करती है, वो सारे मोती गायब हो जाते हैं और पानी बन जाते हैं। वो बहुत कोशिश करती है, रोती है, चिल्लाती है, पर वो मोती वापस नहीं आते। ये क्या? अब्दुल्ला, तुम मुझे सताने के लिए ये सब कर रहे हो। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। खबरदार, अगर अब्दुल्ला को तुमने कुछ भी किया। ये कौन चिड़िया? ये बात किस तरह कर रही है? हाँ, मैं मामूली चिड़िया नहीं हूँ, जिस तरह अब्दुल्ला मामूली नहीं है। क्या? जानती हो, ये सारे मोती पानी क्यों बन गए? क्योंकि ये मोती अल्लाह का तोहफा है और इसे वही हाथ लगा सकता जिसका दिल और नीयत साफ है। इसलिए जब तुम उन्हें छूती हो वो पानी बन जाते हैं। इसका साफ मतलब यही है, अल्लाह अब्दुल्ला को देना चाहता है, तुम्हें नहीं। अच्छा, तो तुम मेरे बच्चे के साथ ये सब करती हो? आप कब आए? अबू अबू, आप आ गए? चले जाओ और दोबारा कभी नहीं आना मेरे घर। नहीं, मुझे माफ कर दीजिए। चले जाओ। फिर अब्दुल्ला और उसके अब्बू वापस घर चले जाते हैं। अब्बू, अम्मी को घर वापस बुला लो।
नहीं, मैं कभी उसे माफ नहीं करूंगा। तुम घर में अकेले ना रहो, तुम्हारे देखभाल के लिए मैंने उसे शादी की थी। सौतेली माँ बहुत बदल चुकी थी। उसने अब्दुल्ला से माफ़ी मांगी। अब्दुल्ला का दिल तो था ही साफ। वो खुश था कि सौतेली माँ को अपनी गलतियों का एहसास हो गया, पर वो उदास भी था। ऐ मेरे अल्लाह, मैं हमेशा चाहता था अब्बू वापस आ जाए। वो वापस तो आ गए, पर उनके पास पैसे नहीं हैं, वो परेशान हैं। मेरे अल्लाह, मेरे अब्बू को पैसे दे दो प्लीज़। दुआ करने के बाद जब वो अपने कमरे में गया, हाँ ये क्या, सारा कमरा मोतियों से भर गया। इतने खूबसूरत और कीमती मोती हर जगह। अचानक वो खिड़की के बाहर जब देखता है तो वहाँ अब्दुल्ला की प्यारी चिड़िया उसे देखकर मुस्कुराती है, फिर उड़ जाती है। अब्दुल्ला भी मुस्कुराता है, समझ जाता है कि अल्लाह ने उसकी दुआ कबूल की। थैंक यू मेरे अल्लाह।